आपने केदारनाथ धाम के बारे में बहुत बार सुना होगा, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बहुत बार सुना होगा, आप सभी ने कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में कई बार सुना होगा, परंतु क्या आपने 24,000 फीट की ऊंचाई पर बसे किन्नौर कैलाश के बारे में सुना है? भगवान शिव के इस रहस्यमय धाम तक सिर्फ गिने चुने लोग ही पहुंच सकते हैं। इस रहस्यमय धाम से जुड़े ऐसे रहस्य है जिसे सुनकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। किन्नौर कैलाश, जिसके बारे में अनेकों मान्यताएं भी प्रचलित है। कुछ विद्वानों के विचार में महाभारत काल में इस कैलाश का नाम इंद्रकील पर्वत था, जहां भगवान शंकर और अर्जुन का युद्ध हुआ था। तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर के बाद किन्नौर कैलाश को ही दूसरा सबसे बड़ा कैलाश पर्वत माना जाता है। सावन का महीना शुरू होते ही यहां पर बाबा के भक्तों का सैलाब लगना शुरू हो जाता है। हिमाचल प्रदेश की इस जगह को सबसे खतरनाक भी कहा जाता है। किन्नौर कैलाश सदियों से हिंदू व बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र है। इस यात्रा के लिए देश भर से लाखों भक्त किन्नौर कैलाश के दर्शन के लिए आते हैं। किन्नौर कैलाश पर प्राकृतिक रूप से उगने वाले ब्रह्म कमल के हजारों पौधे देखे जा सकते हैं। किन्नौर कैलाश समुद्र तल से 24,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हर साल सैकड़ों शिव भक्त जुलाई व अगस्त में जंगल व खतरनाक रास्तों से होकर किन्नौर कैलाश पहुंचते हैं। किन्नौर कैलाश की यात्रा शुरू करने के लिए भक्तों को जिला मुख्यालय से करीबन 7 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 5 स्थित पोवाड़ी से सतलुज नदी पार कर तंगलिंग गांव से होकर जाना पड़ता है। गणेश पार्क से करीबन 500 मीटर की दूरी पर पार्वती कुंड है। इस कुंड के बारे में बहुत मान्यताएं प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है इसमें श्रद्धा से एक सिक्का डाल दिया जाए तो आपकी सभी मुरादें पूरी हो जाती है। लोग इस कुंड में नहाने के बाद करीबन 24 घंटे की चढ़ाई के बाद किन्नौर कैलाश स्थित शिवलिंग के दर्शन करने पहुंचते हैं। 1993 से पहले इस स्थान पर आम लोगों के लिए आने जाने पर प्रतिबंध था। 1993 में पर्यटकों के लिए ये जगह खोल दिया गया जो 24,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर करीबन 40 फीट का ऊंचा एक शिवलिंग है। ये हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए पूजनीय स्थल है। इस शिवलिंग के चारों ओर परिक्रमा करने की इच्छा लिए हुए भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। किन्नौर कैलाश के बारे में अनेकों मान्यताएं भी प्रचलित है। कुछ विद्वानों के विचार में महाभारत काल में किन्नौर कैलाश का नाम इंद्रकील पर्वत था, जहाँ भगवान शंकर और अर्जुन का एक युद्ध हुआ था और अर्जुन को पाशुपातास्त्र की प्राप्ति हुई थी। ये भी मान्यता है कि पांडवों ने अपने वनवास काल का अंतिम समय यहीं पर गुजारा था। किन्नौर कैलाश को बाणासुर का कैलाश भी कहा जाता है। यहाँ के शिवलिंग की जो खास बात है वो ये है कि दिन में कई बार ये रंग बदलता है। सूर्योदय से पूर्व सफ़ेद, सूर्योदय होने पर पीला, मध्याह्न काल में ये लाल हो जाता है। इसके बाद फिर पीला सफ़ेद होते हुए संध्या काल में काला हो जाता है। इसके रंग बदलने का रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया। कुछ लोगों का मत है कि ये स्फटिक का बना है और सूर्य की किरणों के विभिन्न कोणों में पड़ने के साथ ही ये चट्टान रंग बदलती नजर आती है। यहाँ पर ट्रैकिंग करने का सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर तक का होता है, क्योंकि इस समय इसकी खूबसूरती ही अलग होती है। और दूसरी बात, सर्दियों के महीने में यहाँ बर्फबारी बहुत होती है, जिसकी वजह से ट्रैकिंग करना आसान नहीं होता। यहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मॉनसून में यहाँ आने के लिए मना किया जाता है। अगर आपको अपने जीवन काल में जीता जागता स्वर्ग देखना है तो किन्नौर कैलाश के दर्शन जरूर कीजिएगा। यहाँ कब आए और रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स हमने आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।